मिल चुकी हैं। जानकारी के मुताबिक 18,000 से ज्यादा लोग इस वायरस की चपेट में आ गए हैं। WHO द्वारा इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने के बाद भारत में भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को अलर्ट जारी कर दिया है। देश में भी मंकी पॉक्स के 4 मामले ही सामने आए हैं, लेकिन कई राज्यों में मंकी पॉक्स से लड़ने के लिए एडवाइजरी तक जारी कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने रांची समेत राज्य के सभी सिविल सर्जन को एडवाइजरी जारी कर दिशा निर्देश दिया है। मंकी पॉक्स को लेकर अपने अपने अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाए। एडवाइजरी में कहा गया है कि संदिग्धों की मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों के OPD क्लिनिक में एक्टिव सर्विलांस के जरिए मंकी पॉक्स की पहचान की जाए। तो वहीं विदेश से यात्रा कर लौटे लोगों से अपील की है कि अगर 21 दिन के भीतर मंकी पॉक्स के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत अस्पताल जाकर जांच कराएं। उत्तराखंड सरकार ने डेंगू और मंकी पॉक्स को लेकर एडवाइजरी जारी की है। इसमें ऐसे लोगों पर नजर रखने की सलाह दी गई है। भारत समेत दुनिया के कई देशों में फैले मंकीपॉक्स को लेकर राजस्थान का चिकित्सा विभाग सतर्क है। दिल्ली में मंकीपॉक्स मरीज मिलने के बाद CHC, PHC और जिला अस्पतालों को मंकीपॉक्स जैसे लक्षण वाले मरीज मिलने पर सवाई मानसिंह अस्पताल रेफर करने के निर्देश हैं। साथ ही सवाई मानसिंह अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर विनय मल्होत्रा ने कहा कि मंकीपॉक्स मरीज मिलने पर इन्फेक्शन अस्पताल में भर्ती किए जाएंगे, जिससे संक्रमण का खतरा न रहे। क्योंकि मंकी पॉक्स एक वायरल डिजीज ही है और DNA वायरस के द्वारा ये फैलती है। पूर्व में जिस प्रकार से आपने चिकन पॉक्स या अंत के वायरस के इन्फेक्शन हुए, इसी तरह से स्किन इन्फेक्शन इसके द्वारा होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि इसकी मोर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा नहीं है, और चूंकि ये WHO द्वारा एक मेडिकल इमरजेंसी घोषित की जा चुकी है और लगभग 58 देशों में 12,000 से ज़्यादा अभी इससे पीड़ित लोग आ चुके हैं, तो देखते हुए भारत सरकार और राजस्थान सरकार बड़ी गंभीरता से इसको ले रही है। हमारे द्वारा सभी अस्पतालों में नीचे CHC, PHC लेवल तक सभी चिकित्सक को हमारे द्वारा अलर्ट कर दिया गया है कि ऐसे किसी भी केस को आए उसको प्राथमिकता से उसकी जांच करवाएं, उसको देखें, अपने स्तर पर इलाज न हो तो तुरंत उसको SMS रेफर करें। क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है, इसके अंदर वही सावधानी बरतनी है जो हमको कोरोना वायरस के दौरान हमने जो सावधानी बरती थी, कोई मास्क लगा के ऐसे व्यक्ति से मास्क लगा के दूर निश्चित दूरी पर रहना है, क्योंकि एक से दूसरे द्वारा ये फैलती है। इसलिए हमको इसके साधन पूर्वक इसको कंट्रोल करना है। मोर्टिलिटी रेट उसमें बहुत कम है, किंतु चूंकि ये परेशानी पैदा कर सकती है, इसी को लेकर भारत सरकार, राजस्थान सरकार बड़ी गंभीरता से